और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर सर्दी के सितम की। राजस्थान में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को 6 स्थानों पर पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया। बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में लोगों को हिल स्टेशन का एहसास करवा दिया। पेड़ पौधे, वाहन, खुले मैदान, पानी की पाइप सहित जो भी सामान खुले में था वो पानी की बूंदें बर्फ में बदल गईं। फसलों से लेकर घरों तक पर बर्फ की चादर बिछ गई। पक्षियों के पात्र में रखा पानी बर्फ में तब्दील हो गया। दुपहिया वाहनों की सीटों और चौपहिया वाहनों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। कड़ाके की सर्दी का असर जनजीवन पर भी देखने को मिला। लोग देर तक रजाई में दुबके रहे। जरूरी कामकाज के लिए बाहर निकले लोग भी गर्म लबादों में ढके जहां तहां अलाव जलाकर सर्दी से बचने की जुगाड़ करते दिखे। तेज सर्दी के कारण फसलों को नुकसान होने की संभावना है। राजस्थान में चूरू सर्दी और गर्मी को लेकर अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है तो वहीं सर्दियों में तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आज की बात करें तो इस सीजन का आज सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया गया तो वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान माइनस में आने की वजह से दोनों की धरती पर बर्फ जम गई है। दो तीन दिन से चूरू में बहुत कड़ाके की शीतलहर चल रही है। दुनिया अनाप और लकड़ी जलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। जीना दुर्भर हो गया है। बहुत ही भयंकर शीतलहर चल रही है। बर्फ जम रही है और इधर उधर लोग घर पर जाते हुए दिख रहे हैं। जल्दी घर चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो बहुत भयंकर शीतलहर चल रही है। अलवर जिले में दूसरे दिन भी बर्फ जमी है जिससे साफ है कि पारा शून्य पर पहुंच रहा है। जिले में कई स्थानों पर अधिक बर्फ जमी है तो कुछ जगहों पर कम, लेकिन जिले में सर्दी अब चरम पर पहुंच गई है जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग सर्दी से बचने के लिए आगजनी सहित गर्म वस्त्रों का सहारा के साथ बचाव में जुटे हुए हैं। एक दिन पहले जिले में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा जबकि बीती 2 रात को शून्य तक पहुंच गया है। सुबह खेतों में जमी बर्फ इसकी गवाह बनी है। कई जगहों पर सामान पर बर्फ जम गई। हालांकि सुबह सूरज निकलने के बाद मौसम बदल गया। गुनगुनी धूप ने आम जन को राहत जरूर दी है। वहीं सर्दी को लेकर सर्दी का सितम लगातार जारी है। राजस्थान में कई जिलों में पारा जमाव बिंदु से भी नीचे पहुंच चुका है। चुरू में हालात ऐसे हैं कि जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो सर्दियों में भी कड़ाके की सर्दी और शीतलहर है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का असर हावी हो चुका है। राजस्थान के 5 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल, जम्मू, शिमला, उत्तराखंड में बर्फबारी और ठंडी हवाओं का असर है तो बीते 48 घंटे में प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसके साथ ही तापमान भी जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच चुका है। बीते दिन जयपुर का पारा 60 डिग्री से अधिक लुढ़क कर 4.9 डिग्री दर्ज किया गया। कल रात को जयपुर का पारा 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। तेज सर्दी के लिए खास माने जाने वाले पौष मास की शुरुआत 20 दिसंबर से है। ऐसे में सर्दी का असर पूरी तरह से प्रदेश में हावी रहने वाला है। शेखावाटी अंचल में 10 साल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह से तेज सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। वाहनों, फसलों पर बर्फ की परतें जमने के साथ ही पानी भी जमा हो गया है। जयपुर के आसपास ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। गंगानगर, सीकर, फतेहपुर, चूरू, किलानी, टोंक, कोटा में कोहरा छाने से वाहन चालकों की परेशानी काफी बढ़ गई है। चूरू
सीकर, जयपुर, सिरोही में पारा शून्य से नीचे चला गया है।